हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्केचअप की ट्रिक्स। उससे पहले मैंने आपको बताया ऑटोकैड की ट्रिक्स, रेविट की ट्रिक्स। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्केचअप की ट्रिक्स, और ऐसे ही ऑटोकैड, रेविट, 3ds मैक्स, स्केचअप, आपकी ट्रिक्स चलती रहेंगी और आप इसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। तो आज की फर्स्ट वीडियो है जो स्केचअप ट्रिक की है, उसमें है कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे किस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोटेट हो रहा है। इसके सेंटर पॉइंट से आपके पास कोई बिल्डिंग हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपको विदाउट एनी बटन प्रेस के आप कोई चाहते हो कि ऐसे रोटेट होता रहे, तो आप किस तरीके से, कौन सी कमांड से ये पॉसिबल हो सकता है, वो ये ट्रिक आज होने वाली है। तो इसके लिए मैंने क्या है, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है एक्सटेंशन, यहाँ पे विंडोज पे एक्सटेंशन वेयर हाउस पे जाना है, और एक्सटेंशन वेयर हाउस पे जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है क्यूरिक स्पिन कैमरा। क्यूरिक स्पिन कैमरा आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे क्यूरिक स्पिन कैमरा के नाम से एक ऐप मिलेगी जो इसकी एक्सटेंशन है। आप इसे इंस्टॉल करें, जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो आप विंडो में जाके एक्सटेंशन मैनेजर पे जाओगे, तो वो वाली चीज आपको यहाँ पे मिलेगी एक्सटेंशन। इसको आप यहाँ से अनेबल करें। अनेबल करने के बाद मान लो अब ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर क्लिक करता हूं तो जो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये इस चीज को रोटेट करेगा। इसको करने के लिए मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको किसी भी टूल पे, और क्यूरिक स्पिन कैमरा को ऑन करना है। जैसे ही ऑन करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये आइकन आएगा, आपको सिर्फ स्पिन बटन पे क्लिक करना है स्पिन कैमरा पे, तो वो उसके सेंटर के अकॉर्डिंग इसको स्पिन करना स्टार्ट कर देगा। आप इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से आप इसको पॉज कर सकते हो, आप इसको स्टॉप कर सकते हो, दोबारा प्ले कर सकते हो, आप माउस की हेल्प से स्क्रॉल करके इसको जूम इन कर सकते हो, या फिर इसका व्यू चेंज करना है तो स्क्रॉल बटन को प्रेस करके, होल्ड करके, ड्रैग करके आप इसे व्यू को चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहां से भी कर सकते हो कि जेड एक्सिस में कितना आपको चेंज करना है, वरना माउस की हेल्प से ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। क्लियर है? अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके एक्सप्लोर कर देता हूं और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव कर देता हूं किस और दूर, अब अगर मैं विदाउट एनी क्लिक किए, कहीं पे मैंने क्लिक नहीं किया, अब अगर मैं यहाँ पे स्पिन करता हूं तो इन तीनों ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट को लेके वो उस चीज को रोटेट करेगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि आपका जो रोटेशन हो एक ही ऑब्जेक्ट के अराउंड हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके स्पिन करना पड़ेगा, तो वो उस ऑब्जेक्ट के अराउंड स्पिन करेगा। आप इसे जूम कर सकते हो और आप क्लियरली देख सकते हो कि उसी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो उस चीज को स्पिन कर रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल आपके ऑब्जेक्ट्स की बात कि आप स्पिन कर सकते हो। अगर आपको स्पिन करना है कोई बिल्डिंग, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग प्लान है, वरना आप यहाँ पे जाओ विंडोज में, 3D वेयर हाउस में जाओ। 3D वेयर हाउस में जाके आप यहाँ पे टाइप कर दो हाउस, और ऑल कैटेगरीज पे जाके आप आर्किटेक्चर कर दो, और यहां से आप देख पाओगे बिल्डिंग्स आ जाएंगी। कोई भी एक बिल्डिंग को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई प्लान है आप उसके साथ भी ये सब चीजें कर सकते हो। और ये करने के बाद आप मान लो यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, प्लेस करने के बाद इसके अराउंड अगर मेरे को स्पिन करना है तो मेरे को सिर्फ इसको सिलेक्ट करना और स्पिन कर देना है, तो वो उसके अराउंड आपका स्पिन हो जाएगा, और अपनी बिल्डिंग को आप इस तरीके से देख सकते हो और एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये था आज की फर्स्ट ट्रिक स्केचअप की, क्यूरिक स्पिन कैमरा एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करके किस तरीके से इस चीज को कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें, अपने दोस्तों को बताएं। और बहुत सारे वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, हर एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ऑटोकैड, 3ds मैक्स, रेविट, फोटोशॉप, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।